हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, मानव नेत्र। और इसमें पिछले वीडियो में हम दृष्टि दोष के बारे में चर्चा किए थे और आपको बताए थे कि कौन कौन से प्रमुख दृष्टि दोष है, जिसमें निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता, यानी मायोपिया, हेट्रोबायोपिया और फिर आपको हम समझाए थे प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है। ये तीनों दृष्टि दोष की चर्चा किए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम बताएंगे कुछ अन्य दृष्टि दोष, कुछ और भी आँख में बीमारियाँ होती है, दोष होता है जिसके कारण देखने में परेशानी होती है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम तीन दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे, जिसमें एक है अबिंदुकता, एक है मोतियाबिंद और एक आप अक्सर सुनते होंगे रतौंधी। ये क्या है, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं अबिंदुकता। तो सबसे पहले जानिए कि ये अबिंदुकता जो बीमारी है, ये किस प्रकार की बीमारी है और इसमें क्या होता है। तो देखिए, अबिंदुकता एक ऐसी बीमारी है जिसमें नज़दीक और दूर की समस्या नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें नज़दीक का वस्तु नहीं दिखेगा या दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, बल्कि इसमें क्या होता है कि वस्तु जो है, वस्तु चाहे नज़दीक हो या वस्तु चाहे दूर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें वस्तु जो होती है वो धुंधली दिखाई पड़ती है। यानी दूर की वस्तुएं भी और नज़दीक की वस्तुएं भी इसमें धुंधली दिखाई पड़ती है, यानी पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि इसमें वस्तुएं जो होती है धुंधली दिखाई पड़ती है, पूर्णतः स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो ये जो है अबिंदुकता में ऐसा होता है। अब देखिए कि ये जो अबिंदुकता है जिसमें इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो फिर ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसा उपचार करना पड़ेगा इस समस्या को दूर करने के लिए। तो आपको बता दें, इस समस्या को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है, बेलनाकार लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। और बेलनाकार लेंस से बने चश्मा का यूज करके और फिर हम अबिंदुकता जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं, यानी अबिंदुकता की जो समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब इसके बाद एक और काफ़ी बड़ी समस्या है, ये तो एक नॉर्मल समस्या है जो आसानी से ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, यानी मोतियाबिंद, यह एक काफ़ी बड़ा समस्या है, यह एक गंभीर समस्या है, आँख में होने वाला एक गंभीर समस्या है, काफ़ी जटिल प्रॉब्लम के रूप में है। और देखिए, ये काफ़ी जटिल समस्या इसलिए है क्योंकि मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस, हमारे नेत्र में जो उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, तो ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की पारदर्शिता जो है वो ख़त्म हो जाती है। यानी अगर मोतियाबिंद की बीमारी होगी तो मोतियाबिंद में होता क्या है कि हमारे नेत्र लेंस की पारदर्शिता जो है ख़त्म हो जाती है। यानी नेत्र लेंस जो है रियल में पारदर्शी पदार्थ होता है, यानी इसमें प्रकाश का किरण एक सिरा से दूसरे सिरे तक आसानी से प्रवेश कर जाता है। लेकिन जब मोतियाबिंद की बीमारी होती है तो उस स्थिति में नेत्र लेंस जो है अपनी पारदर्शिता खो देती है, यानी नेत्र लेंस की जो ट्रांसपेरेंट गुण है वो खत्म हो जाता है, इसमें प्रकाश का किरण नेत्र लेंस से क्रॉस नहीं कर पाता। अब सोचिए कि जैसे ये हमारा नेत्र है, ये कॉर्निया हो गया और ये फिर नेत्र गोलक हो गया और यहाँ पे सिलियरी पेशियाँ हैं और फिर इसमें नेत्र लेंस जो है लटका हुआ है और नेत्र लेंस अपनी पारदर्शिता खो दिया, जिसके कारण प्रकाश का किरण नेत्र लेंस पे पहुंच तो जाएगा लेकिन नेत्र लेंस से क्रॉस नहीं कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा। तो जब पार नहीं कर पाएगा तो यहाँ रेटिना के पास उसका इमेज भी नहीं बन पाएगा, तो फिर एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और इसमें वस्तु जो हम देख नहीं पाएंगे, जब वस्तु का प्रतिबिंब ही रेटिना पर नहीं बन पाएगा तो फिर हम वस्तु को भी नहीं देख पाएंगे। अब देखिए, इस समस्या को अगर दूर करना है तो इसके लिए किसी चश्मा का यूज करने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप कुछ कोई भी चश्मा लगा लीजिए, प्रकाश के किरण तो प्रवेश कर जाएगा लेकिन नेत्र लेंस के अंदर नहीं जा पाएगा। तो इसके लिए एकमात्र उपाय ये है कि इसके लिए करना क्या पड़ता है, सर्जिकल मेथड का यूज करना पड़ता है, सर्जिकल विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसके अंतर्गत सर्जरी करके, यानी ऑपरेशन करके, आँख का ऑपरेशन करके और नेत्र लेंस को चेंज करना पड़ता है, नेत्र लेंस को बदलना पड़ता है। और जब नेत्र लेंस को बदल दिया जाता है
तब जाकर यह मोतियाबिंद की जो समस्या है ये समाप्त हो जाती है, मोतियाबिंद की समस्या दूर हो जाती है नेत्र लेंस को चेंज करके, बदल के। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कि एक और डिजीज है जिसके बारे में हम बता दें आपको, रतौंधी। ये क्या होता है आप इसको समझिए, रतौंधी में क्या होगा कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें नजदीक की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। रतौंधी की जब बीमारी होगी तो आपको दूर का भी दिखेगा, नजदीक का भी दिखेगा, स्पष्ट भी दिखेगा, लेकिन समस्या ये होता है कि इसमें वस्तुएं जो है दिन में आपको साफ साफ दिखाई दे देती है, लेकिन वस्तुएं जो है रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देती, रात में आपको वस्तु दिखाई नहीं देगा। जैसे ही सूर्यास्त होगा धीरे धीरे आपको वस्तु दिखाई देना बंद हो जाएगा। मतलब अब ये नहीं कहिएगा कि सर रात में तो कोई नहीं देख पाता है अंधेरा में, बात वो नहीं है। जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसको रतौंधी नहीं है वो रात में वस्तुओं को देख भी पाएगा, तो जिसको रतौंधी हुआ है वो रात में वस्तुओं को देख नहीं पाएगा उसके कंपेरिजन में। तो इसलिए ये एक बीमारी है, और ये बीमारी होती है हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण। हमारे शरीर में जब विटामिन ए की कमी होती है तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है। और विटामिन ए का बड़ा योगदान है किसी भी वस्तुओं को देख पाने में। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा है तो हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते, बिकॉज आँख में विटामिन ए का अहम रोल योगदान होता है। अब चूंकि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है, इसलिए अगर रतौंधी को ठीक करना है तो इसके लिए आप दवा नहीं भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस विटामिन ए की पूर्ति अगर हमारे शरीर में हो जाए, अगर विटामिन ए जो कम हुआ है अगर उसकी आपूर्ति हमारे शरीर में हो जाए, वो अधिक मात्रा में हो जाए, तो फिर हमें रतौंधी की जो समस्या उत्पन्न हुई है वो आसानी से दूर हो सकता है। तो फिर विटामिन ए की कमी को दूर करना पड़ेगा, और विटामिन ए की समस्या को दूर करने के लिए हमें कुछ खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ खाने वाले पदार्थ का यूज करना पड़ेगा, और वैसे पदार्थों को खाएंगे तो उसे हमें विटामिन ए मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं गाजर का, गाजर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है। अगर हम बात करें पपीता का, तो ये तो एक ऐसा फ्रूट है जिसमें लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं, ऑलराउंडर है, इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं पपीता में, तो पपीता का यूज़ करेंगे तो उससे भी हमें विटामिन ए मिलेगा। टमाटर जो होता है इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। वहीं अगर हम अंडा की बात करें तो देखिए, अंडा जब हम लोग खाते हैं तो अंडा में दो पार्ट होता है। अंडा का जो येलो वाला पार्ट होता है, जो पीला रंग वाला, उसके अंदर उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, तो येलो वाला भाग खाने से कोलेस्ट्रॉल मिलता है। लेकिन अगर व्हाइट वाले पार्ट की बात करें, अंडा में जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ विटामिन ए की भी प्राप्ति होती है, यानी अंडा का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसे विटामिन ए मिलता है। हालांकि पीला वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद बात करें तो हम शकरकंद वगैरह भी यूज करके, शकरकंद वगैरह भी हम खाएंगे तो इससे भी विटामिन ए की पूर्ति जो है हमारे शरीर में होती है। तो ऐसे खाद्य पदार्थों का यूज करके विटामिन ए की मतलब पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर में निर्माण हम कर लेंगे, और उसके बाद रतौंधी की जो समस्या है अपने आप दूर हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में हम आपको समझाए अबिंदुकता के बारे में, मोतियाबिंद और रतौंधी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वायुमंडलीय अपवर्तन का, यानी एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं जैसे तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में समझाएंगे।